एप्लीकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो कंट्रोल होता है एक चुनी हुई सरकार का, अफसरशाही के ऊपर, ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई ऑफिसर काम ना करे तो उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, गलत काम करे, भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ एक्शन, नई पोस्ट क्रिएट करना, रेगुलराइजेशन करना, ये सारी जितनी भी शक्तियां थी वो सारी शक्तियां उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके छीन ली दिल्ली सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से। उसके बावजूद हमने काफी काम किया और इतना काम किया कि अगली बार फिर हम भारी बहुमत से जीते, 70 में से 62 सीट आई हम लोगों की। लेकिन 8 साल की कोर्ट कचहरी की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से फैसला दिया कि सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास अफसरशाही पे कंट्रोल करने की शक्तियां नहीं होंगी तो वो सरकार काम नहीं कर सकती, चुनी हुई सरकार काम नहीं कर सकती और ये संविधान के खिलाफ है। बहुत क्लियर ऑर्डर था, स्ट्रांग ऑर्डर था। हमें अपना अधिकार, दिल्ली के लोगों को अपना अधिकार पाने में 8 साल लग गए, लेकिन मोदी जी को 8 दिन लगे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, पलट दिया। 19 मई को क्यों किया? 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, वेकेशन हो गई सुप्रीम कोर्ट की। 5 बजे वेकेशन हुई, रात को 10 बजे रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। यही दिखाता है कि उनके दिल में काला था। अगर वो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वो अध्यादेश जारी करते हम सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ले आते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बंद है तो अभी हमें महीना भर रुकना पड़ेगा, जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन ये अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं, तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मेरी अभी इसमें काफी विस्तार से चर्चा हुई माननीय अखिलेश जी से और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का और इसका विरोध करेंगे। मैं अब अखिलेश जी से रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मेरे साथ लोकसभा में 2019 से मेरे साथी रहे अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी के विधायकगण, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद भाई संजय सिंह जी और एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के आतिशी जी और आप सब पत्रकार और मीडिया के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई 140 करोड़ लोगों के अधिकारों को बचाने की है। एक तरफ तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहते हैं देश को और दूसरी तरफ लोकतंत्र पर अध्यादेश की कुल्हाड़ी चलती है, गवर्नर के जरिए तंग किया जाता है। अगर इनकी सरकार बीजेपी की किसी राज्य में इलेक्शन से ना बने तो ये बाई इलेक्शन से बना लेते हैं, उनके 30-40 खरीद लो, बाई इलेक्शन करा लो, सुबह सुबह 3 बजे उठाओ गवर्नर को, ओथ लो, उसके बाद देखते रहो क्या होता है। ये आदत पड़ गई है इनको, ऐसा कई बार कर चुके हैं ये।
और गवर्नर्स को ऑर्डर है, अगर दो तीन दिन उन्होंने चुनी हुई सरकार को तंग नहीं किया तो फिर फोन आता है कि आपको किसके लिए भेजा है वहां पे, आप तंग क्यों नहीं कर रहे इलेक्टेड गवर्नमेंट को। तो इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क जो है वो देश को करना है। दिल्ली के लोग भी उसी तरह से वोट डालते हैं जैसे यूपी के डालते हैं, पंजाब के डालते हैं। दिल्ली के लोगों, दिल्ली के मंत्री भी वही संविधान की ओथ लेते हैं, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री वही संविधान को फॉलो करते हैं, पंजाब में भी वही होता है। और दिल्ली देश का दिल है, वहां दिल्ली में मूल निवासी जो है दिल्ली में पूरे देश के हैं, यूपी से बहुत से लोग हैं दिल्ली में, पंजाबी बहुत हैं दिल्ली में, कर्नाटका से बहुत लोग हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र से हैं, आंध्रा से हैं, उड़ीसा से, बंगाल से, देश के हर हिस्से से लोग दिल्ली में रहते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने पूरे देश पर कुल्हाड़ी चलाई है। चलो ये तो एलजी कर रखा है कि फुल स्टेट नहीं है, एलजी वहां पे सरकार रहेगी, फुल स्टेट को कौन सा काम करने देते हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, पंजाब में 117 में से 92 हमारे विधायक हैं, और हमने इस बार बजट सेशन बुलाने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा, उन्होंने कहा जी मैं बजट सेशन बुलाने के लिए आपको इजाजत नहीं दूंगा, पहले आप मेरा ये काम करिए, ये काम करिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको बजट सेशन बुलाने के लिए इजाजत देनी पड़ेगी। उसके बाद कहा राज्यपाल ने कि जो भाषण मुझे लिख के दिया है, जो विधानसभा में पढ़ना होता है।